वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 एंड जो चैप्टर का नाम है दैट इज कॉल्ड हीट। क्लियर? सो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये जिसका नाम है हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? सो एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। जो हम काम करते हैं काम करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है। एनर्जी हमको क्यों चाहिए? जैसे कि हमने यहां पर साफ लिखा है, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमको एनर्जी क्यों चाहिए? वी नीड एनर्जी। क्यों चाहिए हमको एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू वर्क। अगर हमको कुछ काम करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है। क्या आपने कभी बिना खाना खाए कभी आपने खेला है? अगर आप खेलने के लिए जा रहे हो और आपको जोरों से भूख लग रही है, क्या आप तभी खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होता है जो आपकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। हमको एनर्जी मिलता है कहाँ से? फूड से। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है। तो जो एनर्जी होता है, एनर्जी तो कई तरह के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा लाइट एनर्जी, दूसरा हो गया तुम्हारा साउंड एनर्जी, तीसरा हो गया तुम्हारा हीट एनर्जी, और चौथा हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। और भी ढेर सारे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत से तरह के एनर्जी होते हैं। मगर ये चैप्टर में हम जो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे वो है हीट एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं हीट एनर्जी के बारे में। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का रूप होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का रूप होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये जो हीट है, ये एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जाएगा। तो चलिए इसका मतलब क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। ठीक है। सो मान लो ये है आपका हाथ है। ठीक है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे मैंने एक आइस रखा है, तो ये तो सबको पता है कि जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम आइस को अपने हाथ से पकड़ते हैं तो क्या होता है? हमको ठंडा लगता है, वी फील कूल, हमको ठंडा लगता है, और आइस ये मेल्ट हो जाता है। जब हम हाथ से आइस को पकड़ते हैं ये मेल्ट हो जाता है, मतलब ये पानी में बदल जाता है, वाटर ड्रॉप में ये बदल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आइस का टेम्परेचर 0 है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम आइस को इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो ये वाटर में नहीं बदलेगा,
ये वाटर में नहीं बदलेगा। अगर इसको हम धीरे धीरे करके गर्म कर देंगे तो ये पिघल जाएगा, ये पानी में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो यहां से क्या हुआ, आपके हाथ में जो टेम्परेचर था, जो हीट था, जो गर्मी थी, वो आइस के पास चला गया, और आइस के पास जो टेम्परेचर था, जो कोल्डनेस था, वो आपके पास चला आया। इसका मतलब तो साफ हो गया ना, एनर्जी ट्रैवल्स और हीट एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। इसके पास ज्यादा गर्मी थी तो यहां से ये यहां चले गई, और इसके पास कुछ ज्यादा ही ठंडी थी जो यहां से यहां पे चली आई। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं टेम्परेचर के ऊपर। आखिर ये टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हीटनेस और कोल्डनेस। जो टेम्परेचर होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू। तो क्या है ये, मान लो कि ये एक आयरन का रॉड रखा है, जो बहुत ही गर्म है, ये एकदम लाल, एकदम रेड हॉट है। ठीक है, ये एकदम रेड हॉट है, और यहां पे एक दूसरा रॉड रखा है, दूसरा आयरन रॉड रखा है, दूसरा, ये बिल्कुल नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अगर दोनों में से आपको दोनों को पकड़ने के लिए कहा जाए, तो अगर आप इसको पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको पकड़ोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, सो अगर मैं दोनों को कवर कर देता हूं, इसको भी कवर कर दूंगा, जाके आपको दिखाई नहीं देगा ये रेड हॉट, जो ये गर्म हो गया है, रेड हॉट हो गया है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, और इसको भी मैं कवर कर दूंगा, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर तब भी आप इसको पकड़ोगे तो तब भी आपका हाथ जल जाएगा, मगर इसका, अगर इसको आप पकड़ोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन गर्म है, तो इसके लिए आपको तो इसको भी छूना पड़ेगा और इसको छूना पड़ेगा। अगर छुओगे, अगर इसको आप छूते हो तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा ना। अगर आप इसको छुओगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों में से सबसे ज्यादा कौन गर्म है, इसको जानने के लिए आप दोनों को, आपको इन दोनों को हाथ से छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो हम बिना पकड़े ही ये बोल सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन गर्म है। इसको ना छुएंगे, हम बिना छुए भी ये बोल सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन गर्म है। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। तो इसी को ही बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉटनेस और हीटनेस और कोल्डनेस। तो मान लीजिए ये थोड़ा ज्यादा गर्म है और इसका टेम्परेचर तकरीबन हमने ले लिया 1500 डिग्री सेल्सियस, और ये कम गर्म है, इसका टेम्परेचर ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इसका वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही कम गर्म है। तो इसको हम आंखों से देख सकते हैं दोनों की वैल्यू, और इसको हम नहीं पकड़ेंगे, और इसको आराम से हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस मैग्नीट्यूड, दिस मैथमेटिकल वैल्यू इज नोन एज टेम्परेचर। इसी को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड और मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट, नहीं एसआई हीट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो बेसिकली टेम्परेचर को हम मापने के लिए केल्विन इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सेल्सियस भी इस्तेमाल करते हैं, रोमर भी इस्तेमाल करते हैं, और फारेनहाइट भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन।
जो एस आई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, तो केल्विन को हम सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, केल्विन को हम सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। ओके, से ध्यान से देखिए, तो सेल्सियस कुछ ऐसा होगा, अगर हम केल्विन से 273 माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा सेल्सियस। और अगर केल्विन हमको कैसे मिलेगा, अगर हम सेल्सियस में 273 को ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा केल्विन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट थर्मोमीटर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप कूल एंड कीप बी सेफ। ठीक है, तो विश यू ऑल अ गुड लक। थैंक यू।